लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं कोलकाता टू सिलीगुड़ी आया बाय ट्रेन, और ये वाले वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखाया। बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वाले वीडियो में भी ऐसा ही रिस्पांस दिखाना। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करना और हो सके तो शेयर भी कर देना, एंड वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैंने एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है। तो ये रहा मेरा की, एंड हम लोग का जो रूम है ना वो 8th फ्लोर में है। हम लोग का रूम नंबर 805। तो अभी जस्ट हम लोगों ने अपने होटल में चेक इन किया है, और ये हम लोग का होटल है, होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट। एंड जहां तक मैंने सुना है कि ये सिलीगुड़ी में बस एक ही 5-स्टार प्रॉपर्टी है जो कि यही कोर्टयार्ड बाय मैरियट है। ओवरऑल बोल सकता हूं कि मैं सिलीगुड़ी के वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी में अभी स्टे कर रहा हूं। अब इसके लिए मैंने कितना पे किया और क्या क्या इसके साथ इंक्लूड है मैं सब कुछ बताऊंगा। पहले एक छोटा सा टूर दे देता हूं। वैसे इसके अलावा भी इनके पास 3 अलग अलग कैटेगरीज का रूम है, वो आपको चेक करना होगा इनके वेबसाइट में जाकर, या फिर आप मेक माय ट्रिप से भी चेक कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं जाता हूँ फ्रेश होने के लिए क्योंकि ट्रेन का जो जर्नी था काफी थका देने वाला था। अभी तो सबसे पहले जाके शावर लेंगे, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे तभी कहीं जाएंगे यहाँ से। फिलहाल यही रूम है, इसके बारे में मैं आप लोग को बताते रहूंगा अभी। तो अभी जस्ट मैं फ्रेश होकर आया। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे तो आप लोगों को ही पता होगा मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी लगाया था कि मैं अभी कुछ दिनों से वाओ का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। तो देख लो, ये है वाओ का विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश। ये हेल्प करता है स्किन की डल लेयर को क्लियर करने में और स्किन को ब्राइट एंड फ्रेश रखने में। इसमें सिलिकॉन ब्रिसल्स है जो अच्छे से डर्ट एंड इम्प्योरिटीज रिमूव कर देता है और आपके फेस में एक अच्छा सा ग्लो देता है। इसमें है विटामिन सी लेमन ऑरेंज एसेंशियल ऑयल जो हेल्प करता है स्किन को रेजुविनेट करने में। भाई काफी सही फेस वॉश है ये। इसके बाद मैं अपने फेस में यूज करता हूँ ये विटामिन सी का स्किन मिस्ट टोनर। ये आपके स्किन को हाइड्रेट रखता है और आपको काफी रिफ्रेश फील कराता है पूरे दिन, और पोर्स को भी टाइटन करता है। इसके बाद मैं अपने फेस पे यूज करता हूँ ये वाओ का विटामिन सी का ऑयल फ्री फेस सीरम। देखो बहुत जरूरी है अपने फेस को मॉइस्चराइज रखना। इसको हल्के से फिंगर टिप्स पर लो एंड रब करके फेस पर मसाज कर लो, या फिर डैप डैप भी कर सकते हो। ये आपकी डल स्किन को रिवाइव तो करता ही है, साथ साथ एक ग्लो भी देता है फेस को। इसमें है विटामिन सी एंड विच हेजल और हाइलुरोनिक एसिड जो हेल्प करता है आपके जो फेस पे निशान हो जाते हैं उसको फेड करने में, और बचाता है आपके स्किन को डैमेज होने से। इसमें 98.5% नेचुरल इंग्रेडिएंट है। तो ये है लास्ट स्टेप, ये है विटामिन सी का डे एंड नाइट जेल। ये दिन में यूज करने के लिए और ये नाइट में यूज करने के लिए। इसमें है ककाडू प्लम और विटामिन सी जो हेल्प करता है स्किन को रिफ्रेश करने में एंड आपकी स्किन के ग्लो को रिस्टोर करने में, और एक अच्छा कॉम्प्लेक्शन आता है। एंड इसमें है 97.5% नेचुरल इंग्रेडिएंट। बाकी वाओ एक इंडियन ब्रांड है और इनके प्रोडक्ट में किसी भी तरह का हार्श केमिकल नहीं है जैसे कि सल्फेट, सिलिकॉन एंड पैराबेन, और साथ ही कोई भी एडेड कलर नहीं है, और साथ ही प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट होते हैं इनके। सबसे बड़ी बात तो ये एक इंडियन ब्रांड है तो ऐसे ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए। वाओ के जितने भी प्रोडक्ट है आप इनको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका या फिर आप वाओ की ऐप से भी परचेस कर सकते हो। तो इन सारे प्रोडक्ट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर लेना। तो यहाँ से आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपको लेफ्ट साइड में वॉशरूम दिख जाएगा एंड राइट साइड में ये वार्डरोब है। तो सबसे पहले वार्डरोब में ही दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। तो वार्डरोब में देख लो ये सारे आइटम है, स्लीपर्स एंड ये जो है शू शाइन है। यहाँ है लॉकर जहाँ आप अपना कुछ जरूरी आइटम सब रख सकते हो। ये यहाँ का लॉन्ड्री के लिए है, फिलहाल इसमें तो कुछ है नहीं। इधर हम लोगों ने अपना लगेज रखा है। अब मैं आप लोगों को यहाँ का वॉशरूम दिखाता हूँ जो कि बहुत ही सही है। ये शावर एरिया, यहाँ पे ये सारे टॉयलेट्रीज है जिसमें ये डेंटल किट है, शावर कैप है, कॉम्ब है, 2 लोशन दिया हुआ है, इधर एक सोप है, ये बेसिन, इधर एक काफी खूबसूरत सा एक मिरर भी है, एक और मिरर इधर भी है। बाकी शावर एरिया जहाँ पे है वहाँ भी बहुत सारे टॉयलेट्रीज है, शैम्पू, कंडीशनर एंड शावर जेल। नीचे में देख लो ढेर सारे टॉवल रखे हुए हैं, ये हेयर ड्रायर। फिलहाल देख लो ये है इनका वॉशरूम जो कि बहुत ही सही लगा मुझे। अब आते हैं रूम की तरफ। बेड के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन दिया गया था, किंग साइज बेड के लिए या फिर 2 ट्विन बेड के लिए, तो मैंने ये 2 ट्विन बेड ले लिया। व्यू मैं बोलूंगा काफी सही है, रोड साइड व्यू मिला है मुझे जो कि मैं अभी जाके दिखाऊंगा। अभिजीत बेड के बाहर के नजारे का मजा ले रहा है। यहाँ पे 2 पानी का बोतल है, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री चाय कॉफी बनाने के लिए। फिलहाल यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। इधर मिनी फ्रिज होगा बट शायद कुछ होगा नहीं। हाँ जी, इसमें कुछ है नहीं। मैंने जब ये रूम लिया ना तो मुझसे 2 ऑप्शन पूछा गया, एक स्मोकिंग रूम के लिए और एक नॉन स्मोकिंग रूम के लिए, तो मैंने नॉन स्मोकिंग रूम ही लिया है। बेड इनका देखकर तो काफी कम्फर्टेबल लग रहा है, पिलो भी। दोनों ही बेड के साइड में आपको यहाँ पे रीडिंग लाइट मिल जाता है,
इधर एक लैंप और साइड में उधर भी एक लैंप है। ये इंटरकॉम, दो पानी का बोतल इधर भी है, इधर टीवी का रिमोट। यहाँ एक डिजिटल वॉच है जिसमें आप म्यूजिक वगैरह भी बजा सकते हो, अलार्म वगैरह भी लगा सकते हो जैसा कि मैं ऊपर देख पा रहा हूँ। ये वर्किंग डेस्क है जहाँ पे आप बैठ के अपना काम वगैरह कर सकते हो। फिलहाल खाने के मेन्यू के लिए आपको ये कोड को स्कैन करना होगा, उसके बाद आप इन रूम डाइनिंग करवा सकते हो। इधर भी एक रीडिंग लैंप है। यहाँ पे दो ऐसे चेयर बने हुए हैं जहाँ पे बैठ के आप अपना चाय कॉफी इंजॉय कर सकते हो विद दिस व्यू। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग 8th फ्लोर में है और कुछ ये नजारे हैं। और हाँ, रूम में कुछ फोटो फ्रेम्स भी लगे हुए हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये देख लो एंड दूसरा ये रहा। फिलहाल देख लो, यही है मेरा रूम। कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये रूम। मुझे इनका फ्लोरिंग काफी सही लगा। इधर एक कारपेट बिछा हुआ है। अभी तो मुझे बाहर कहीं खाने जाने का भी मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है बेड पे पड़ू और सो जाऊं, क्योंकि रात में बिल्कुल भी नींद नहीं हुआ है मेरा। नहा कर आने के बाद इतना भयानक नींद आया ना, बेड पे गिरा और अभी पता है टाइम कितना हो रहा है, शाम का 5 बजने जा रहा है। मतलब काफी खतरनाक नींद आया हम लोगों को। पीछे आपको दिख रहा होगा एकदम सनसेट भी होने वाला है और ऊपर से हम लोगों ने कुछ खाना वगैरह भी नहीं खाया है, मतलब इतना थके हुए थे ना बेड पे गिरते ही नींद आ गया। खैर कोई नहीं, अभी थोड़ा रेडी होकर निकलते हैं बाहर और बाहर कुछ हल्का फुल्का खाते हैं। जो भी खाऊंगा वो आपको दिखाऊंगा। ये बाय द वे हिल कार्ट रोड है और जो हांगकांग मार्केट है ना वो एकदम पास में ही है। तो अभी हम लोग का प्लान यही हो रहा है कि हांगकांग मार्केट जाए, वहां जाकर थोड़ा शॉपिंग करें एंड मोमो वगैरह ट्राई करें। फिलहाल देख लो कुछ ये नजारे हैं। तो अभी हम लोग आ गए हांगकांग मार्केट, जाते हैं थोड़ा अंदर में मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो वगैरह ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करूंगा मैं, अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो मैं दिखाऊंगा, अदरवाइज मोमो खाना है भाई मुझे। तो ये वाला जो गली देख रहे हो ना, इसको मोमो गली बोलते हैं। यहाँ पे लाइन से मोमोज का दुकान है। तो देखो अच्छा दुकान कोई ढूंढते हैं, उसके बाद वहीं पे जाके बैठ के खाते हैं कुछ। तो हम लोगों ने यहाँ से ये वेज मोमो लिया है 40 रुपए करके। टोटल कितना पीस है भाई? 5, 6, 7, 8, 9, 10 पीस लग रहा है मुझे। हाँ 10 है टोटल, 10 पीस है इसके अंदर। देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है, जैसा भी रहेगा मैं आपको बताऊंगा। तो आज का फूड रिव्यू अभिजीत देगा। ओवरऑल कैसा है मोमो? ओवरऑल ठीक है। ठीक है ना। तो अभी हम लोग हांगकांग मार्केट में घूम रहे थे, यहाँ पे काफी अच्छा सोपीस सब का स्टॉल दिखा। तो अभिजीत ने अपने लिए कुछ लिया है यहाँ पे और अभिजीत यहाँ पे बार्गेनिंग अपना स्किल दिखाते हुए। देख लो ये सारे आइटम है। मैं जब लास्ट टाइम दार्जिलिंग गया था ना, तब मैं अपने लिए लिया था काफी कुछ, इसलिए मैं यहाँ से कुछ नहीं ले रहा हूँ, अभिजीत ले रहा है। तो अभी हम लोग हांगकांग मार्केट से निकल गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ये सुहांग मोमो। मुझे मेरे एक अभी सब्सक्राइबर मिले थे, उन्होंने बताया कि वहाँ का मोमो आप जरूर ट्राई करिएगा, तो वहीं अभी हम लोग जा रहे हैं। देखो कैसा होता है वहाँ का मोमो। अच्छा ये होटल हेरिटेज, ये हेरिटेज वाले गली में ही है। बस भैया यहीं साइड में कर दीजिए। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं सुभांग मोमो। तो अभी हम लोग सुभांग में आ गए हैं और सुभांग का ये मेन्यू देख लो, ज़्यादा आइटम नहीं है, काफ़ी कमी आइटम है। चिकन मोमो है, चिकन चाउमीन है, एक चाउमीन है, चिकन थुप्पा है, वेज मोमो एंड वेज चाउमीन। हम लोगों ने एक चिकन मोमो लिया है और वेज मोमो लिया है। आज लंच एंड डिनर में बस मोमो ही होने वाला है, क्या बोलता है भैया? वैसे हम लोगों ने जो हांगकांग मार्केट वाला मोमो ट्राई किया था ना, वो भी काफ़ी सही था। 40 रुपये के हिसाब से 10 पीस मोमो था, चटनी भी काफी अच्छा था। फिर वहीं हम लोगों को मेरे एक सब्सक्राइबर मिले, उन्होंने मुझे बताया कि आप सुभांग जाओ। बस आ गए हैं, देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। तो ये हम लोग का वेज मोमो आ गया है, देख लो। अगर मैं इसके अंदर के स्टफिंग की बात करूँ तो कुछ ऐसा स्टफिंग है, चलो ट्राई करते हैं और बताते हैं कैसा है कैसा नहीं है। और साथ में यहाँ पे चटनी वगैरह रखा हुआ है, आपको जितना लेना है ले लो, केचप भी रखा हुआ है। तो वेज मोमो हम लोगों ने ट्राई किया, ये मतलब उस मार्केट वाले से इतना भी अच्छा नहीं है जितना हम लोगों को मार्केट वाला अच्छा लगा था, हांगकांग मार्केट वाला। क्या बोलता है, वो ज्यादा बेटर था, अच्छा था। अब ये चिकन मोमो भी आ चुका है, कुछ ऐसा स्टफिंग है इसके अंदर, चिकन वाला देखने को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ तो भैया ये बोल सकता हूँ कि इनका जो चिकन मोमो है ना, ये बॉस एक नंबर है। क्या बोलता है भैया? ये बहुत सही है, ये मतलब 200% मैं रिकमेंड करता हूँ जब भी सिलीगुड़ी का चक्कर लगे। होटल हेरिटेज है, उस गली में आना, आपको दिख जाएगा ये सुभांग। 55 रुपीज में आपको 6 पीस मोमो मिलता है और मोमो का साइज भी काफ़ी सही है। तो अभी मोमो के साथ सूप भी मिला है, लेकिन सूप काफ़ी फीका लग रहा है, बहुत सच पता नहीं नमक डालकर पीना है क्या, और काफ़ी ज़्यादा वाइट सूप नहीं है। चिकन मोमो इनका यार। तो यहाँ का मोमो मैं ट्राई करके निकल गया हूँ, यहाँ का मोमो बहुत ही सही था, स्पेशली यहाँ का चिकन मोमो आप लोग जरूर ट्राई करना। वेज मोमो भी अच्छा था लेकिन चिकन मोमो 200% ट्राई करना, बहुत ही अच्छा था। भैया हाई कर दीजिए। फिलहाल चलो निकलते हैं होटल के लिए।
तो अभी जस्ट हम लोग रूम आए एंड ज्यादा तो हम लोग नहीं घूमे, बस वही हांगकांग मार्केट घूमे और आसपास में हम लोगों ने मोमो ट्राई किया और मोमो मुझे दोनों जगह का ही काफी अच्छा लगा। वैसे अभिजीत कहाँ का मोमो ज्यादा अच्छा लगा? मार्केट का वेज अच्छा लगा, वेज और यहाँ का चिकन। मतलब सुभांग का चिकन मोमो वाकई में बहुत ही अच्छा था। होटल का मैं खाना अभी तक नहीं ट्राई कर पाया हूँ। वैसे तो इस होटल का मैंने आप लोगों को दिखा दिया क्या क्या है इसमें क्या नहीं है। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। अगर आप लोगों ने हम लोग का लास्ट वीडियो देखा होगा आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि कैसा जर्नी था हमारा। काफी ज्यादा थक गया हूँ, दिन भर तो वैसे हम लोग सोए हैं लेकिन अभी भी बॉस थोड़ा बॉडी रेस्ट मांग रहा है। अब एक ही बार मैं इस वीडियो को सुबह से कंटिन्यू करूंगा। हे गुड मॉर्निंग। सो आज लास्ट डे है मेरा सिलीगुड़ी में, तो अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ। रात में काफी प्यारा नींद आया, थकान के बाद तो काफी अच्छा नींद आता ही है। अभी जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, फिर फ्रेश होके जाना है ब्रेकफास्ट करने के लिए। जब ब्रेकफास्ट करने के लिए जाऊंगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलो अब मैं हो गया हूँ फ्रेश, अब टाइम है इनके ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट जो होता है इनका सेकंड फ्लोर में होता है। अभी मैं जाके ये भी दिखाऊंगा कि इनका पूल एंड जिम कहाँ है। चलो चलते हैं। चलो 2-2 दो पे दबा, -2 नहीं लगेगा। और यहाँ अंदर ही देखो सैनिटाइजर एंड टिश्यू वगैरह रखा हुआ है। लिफ्ट काफी फास्ट है ना भैया, काफी फास्ट नीचे जा रहा है। प्रॉपर्टी तो यार एक नंबर है। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए हैं, अभिजीत वहाँ बैठा है एंड पीछे पूरा ब्रेकफास्ट बुफे लगा हुआ है। अभी हम लोगों ने अपने लिए कॉफी के लिए बोला हुआ है, देखो कब तक आता है। ये सबसे पहले हम लोग आ गया है कॉफी, तो देख लो ये होने वाला है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। काफी अजीबो गरीब सा कॉम्बिनेशन है, वड़ा सॉसेजेस सैंडविच। अभिजीत गया अपना खाना लाने के लिए। ये मैंने अभी अपने लिए मसाला डोसा भी मंगवा लिया है। वड़ा एंड सॉसेजेस कमाल का था इनका। अभिजीत वहाँ पे डिजर्ट खा रहा है और मैं यहाँ पे थुप्पा लेकर आ गया। वैसे इनका खाना यार बहुत ही सही है। कैसा लगा खाना? अच्छा है ना। ये जो टेबल है ना एक ऐसे गया है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, पूरा स्क्वायर है। दुनिया भर के ऑप्शन है। अभी मैं पूछने गया था कि पास्ता है कि नहीं है। पास्ता वैसे मेन्यू में नहीं था बट उन्होंने कहा कि वो बनवा देंगे। मैं बोला नहीं भाई रहना तो, थैंक यू सो मच। तो ये देख लो ये अभिजीत डेजर्ट लेके आ गया है, काफी कुछ है। ये डोनट है, केक्स है और भी पता नहीं क्या क्या है। ये जो रेस्टोरेंट है इसका नाम है सिलीगुड़ी किचन। बाकी सही है, थुप्पा एक नंबर था इनका। तो ये देख लो ये इनका पूल एरिया है, आप अपना ब्रेकफास्ट यहाँ बैठ कर भी इंजॉय कर सकते हो। वो उनका पूल एरिया है जो कि अभी पूल आप यूज नहीं कर सकते, ये जिम है। ये इनका जिम एरिया है देख लो। अभिजीत करना है क्या कुछ? तो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। ब्रेकफास्ट इनका काफी अच्छा था। लास्ट में जो मैंने डिजर्ट सब ट्राई किया ना वो भी काफी कमाल का था, स्पेशली उनका वो डोनट आइटम सब, सारा का सारा आइटम बहुत ही अच्छा था। एंड ये जो ब्रेकफास्ट था ना ये रूम के साथ ही इंक्लूड था। बाय द वे मैं बता दूं ये रूम मैंने कितने में बुक किया है, तो इस रूम को मैंने बुक किया है 5,700 रुपीज में। एंड ये मैंने मेक माई ट्रिप से बुक किया है। इसके अलावा भी मेरे पास 3 या 4 अलग अलग कैटेगरीज के रूम थे लेकिन मैंने यही वाला लिया। ये इनका बेस कैटेगरी का रूम है, अदरवाइज वहाँ पे ऑप्शन रहता है ब्रेकफास्ट आपको लेना है या नहीं लेना है। ब्रेकफास्ट लेते हो तो आपका प्राइस बढ़ेगा। अगर मैं ब्रेकफास्ट ऐड नहीं करवाता तो इसका प्राइस 4,700 के आसपास ही था। इसके अलावा मैं लंच एंड डिनर भी ऐड करवा सकता था, उसका भी ऑप्शन था मेरे पास, लेकिन वो सब ऐड करवाने के बाद इसका जो टोटल हो रहा था 7,000 के ऊपर हो जा रहा था। इसलिए मैं बोला कि कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग का जो लंच एंड डिनर है वो बाहर ही होगा, इसलिए सिर्फ मैंने ब्रेकफास्ट ही इंक्लूड करवाया। तो होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये रूम का टूर अच्छा लगा हो। रूम काफी अच्छा है, लोकेशन तो इसका बहुत ही अच्छा है। ये जो आप देख रहे हो ये हिलकट रोड है और भी इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स हैं सिलीगुड़ी में, लेकिन मैंने सुना है ये सिलीगुड़ी का वन ऑफ द बेस्ट होटल है इसलिए मैं इसी में आया। बाकी अब हम लोग का टाइम हो गया चेकआउट का। जैसा कि मैंने बताया था इसका जो चेकआउट टाइमिंग है 12 बजे का है। पैकिंग वगैरह काफी कुछ करना है, देख लो अभी सब कुछ यहाँ हुआ बिखरा पड़ा है, सब कुछ पैक करना है। अब जाना कैसा है तो वो मैं बता दूं। मेरा प्लान है अभिजीत को सरप्राइज देने का और मैंने ऑलरेडी एयर टिकट करके रखा हुआ है, लेकिन अभिजीत को पता नहीं है ये बात, बाद में बताता हूँ। तो अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया हो ना तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। और हाँ अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके आप लोग सब्सक्राइब करना है। और हाँ बेल आइकन बटन को भी दबा लेना ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और उससे भी जरूरी बात अभिजीत क्या कहना चाहेगा, शेयर करना है 500 के होने वाले। अभिजीत हमेशा बोलता है भाई तू लाइक सब्सक्राइब के लिए बोलता है लेकिन कभी शेयर के लिए नहीं बोलता, तो भाई शेयर भी कर दो अभिजीत के बाद पे। चलो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।